वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन, आज हम सियासी इशू में बात करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लीडर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी आखिर कब होगी, इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इन तीनों से जानते हैं, सबसे पहले चलते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे जानते हैं कि आखिर नवाज शरीफ साहब कब वतन वापस आएंगे। वो नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ नहीं आएंगे। आप आना पीटीआई से ताल्लुक है और आपका पीपल्स पार्टी से, आप दोनों को क्या पता, ये तो अंदर की बातें वो जानते होंगे। देखिए जी, जितनी बातें मुझे पता है इतनी बातें किसी को नहीं पता। अच्छा, तभी हमने आज आपको इनवाइट किया और आपसे जानेंगे कि आखिर वो कब आ रहे हैं वतन वापस। और आपने जो मुझे बुलाया है, मेरी वजह से आपके चैनल को रेटिंग मिलेगी, व्यू मिलेंगे और आपका चैनल दिनों में आसमान पे जा पहुंचेगा। ये आपकी गलतफहमी है, आपकी वजह से नहीं, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे चैनल को ऊपर लेकर जाएंगी और जा रहा है। आप मुझे जानती नहीं है इसलिए आप ये बात कर रही हैं। खैर, हम आप मौजूद की तरफ चलते हैं। मेरे साथ बैठे हैं नौजवान, ये एक ही है फिलहाल तो जी, एक ही जवान बैठा है, नौ कहाँ से आ गए। यहाँ पर जुगतों का मुकाबला तो हो नहीं रहा, तो लिहाजा मुतरमा से कहें यहाँ पर मरासपना करने की कोशिश मत। तो आप अपने भाइयों वाला स्टाइल छोड़ के जरा जल्दी बोले, हमें भी फजूल टाइम नहीं है यहाँ पर। आपका नेचुरल लग रहा है। दरअसल अवाम इनकी तेज बातें सुन सुन कर थक, हमारी आशिक हो गई है, हमें मानती है अवाम। अब हम अवाम को सुकून तसल्ली से समझाना चाहते हैं, ये लोग सिर्फ, मैंने कहा शायद आराम से तसल्ली से उन्हें चूना लगा देना। ये जो मुकर्मा पाकिस्तान पीपल पार्टी की रहनुमा, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सिंध का कख कंडा नहीं छोड़ा। ये आप कहते हैं ना, ये पूरा पाकिस्तान कहता है, इन्होंने सिंध के लिए क्या किया मुझे सिर्फ ये बता दें। सिंधियों से जाकर पूछे ना हमने क्या क्या किया है। मैं इनकी मुरीदी कर लूंगा, ये मेरी मुर्शिद हो जाएंगी। कुछ तो ऐसा किया है जो सिंध में हमेशा हुकूमत आती है पीपल्स पार्टी। पीपल पार्टी ने सिंध के लिए सिर्फ ये किया है कि कोरोना की 30% वहाँ पर वो अटैक हो चुका है, पंजाब में है 3-4%। आपसे जो बात करना चाह रही हूँ उस मुद्दे की तो उन्हें कुछ समझ नहीं आई कि आप बात कर रहे हैं। मियां साहब का नहीं पता कि वो कब आएंगे, मैंने कल पूछा कब आएंगे, कहते 25 तारीख को। क्या 25 तारीख को आ रहे हैं? 32 तारीख को कह रहे हैं। अच्छा, 32 तारीख को ये पीटीआई ये तब्दीली लाना चाह रहे हैं, ये 31 से 32 तक पहुंच गए। ये अगर 5 साल और रह गए तो महीना 41 दिन का हो जाएगा। बिल्कुल, पीटीआई की तरफ बाद में जाते हैं, उनकी क्या कारकर्दगी है, लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहते हैं मियां साहब वतन वापस कब आ रहे हैं। वो एक बहुत बड़े मिशन के तहत बाहर बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों को पाकिस्तान थोड़ा बहुत बच गया था, उसको भी बर्बाद करने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। ये जो इन दो पार्टियों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, बचपन से लेकर आज तक एक ही नारा गूंज रहा है, आवे आवे भुट्टो आवे। सिर्फ नारा है और इनके पास कुछ नहीं, इनके पास सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं। और मेरे लीडर जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को लंदन बना दिया है, आप देखे तो सही। जी, जगह जगह गोटे गोटे पानी खड़ा है। हाँ जी बिल्कुल, मैं एग्री करूंगा, इन्होंने बात बहुत लंबी कर ली। आप एग्री ना ही करें तो बेहतरीन है, आप ही रुक दे, हम जो कर रहे हैं हमें पता है। देखिए देखिए, आप एग्री कर रहे हैं कि जगह जगह पानी खड़ा है। मेरी बात सुने, दौरे हुकूमत तो आप लोगों का चल रहा है। मेरी बात सुने, हर चीज को एक टाइम लगता है। 35 साल से इन लोगों ने जो है वो हुक्मरानी की है। अच्छा, 3 साल में दो बच्चे हो जाते हैं और वो जवान होने की उम्र में आ जाते हैं, इनको भी और टाइम चाहिए। टाइम तो अभी बीबी लगेगा ना, आप वहाँ सिंध में बैठे हैं, ठीक है, हर चीज का बजट आप इतना मांग रहे हैं, आप वहाँ पे डेवलपमेंट का क्या काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहे हैं। आए दिन आप देखें कराची से किसी ना किसी के रोने की आवाज आती है, कोई कह रहा है मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। हम लोग जो है इस टाइम मरकज में बैठे हैं, हम लोगों को पता है किस तरह चलाना है। हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले आप देखिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान की बैकबोन मजबूत, हर चीज दिखावा नहीं होती। इन लोगों ने पुल बना 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 कर ना, आपको मैं बताऊं कि लाहौर में जितनी गर्मी है ना, हाँ। इनके पुलों की वजह से हुई है। कंक्रीट जो है उसका एक गर्म होके वो एक हीट देता है, और इन लोगों ने एक रुपए का काम नहीं किया। मेरी भी बात सुने ना, इनकी आपने इतनी लंबी बात सुनी, अपनी बात को अपना मुआयना बात करेंगे तो वो कुछ बोलेंगे ना। लीगल कैसे कर रहे हैं, 3 साल में कुछ भी नहीं है। एक मिनट,
थोड़ा आपस में इख्तलाफात को दूर करें। पहले इनके मुझे बता दे बट यार मुझे चूरी खिलानी है, इस तरह करी क्या कर रहे हो आप, अपनी साइड पे रह के बात करें। भाई मैं ये कह रहा हूँ आप खामोश हो जाए। बात ये है कि नू लीग ने काम किए हैं पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। कौन सा काम किया है भाई, अपने काम पे नहीं वो सुबह टाइम पे जाते हैं। की बात करें इकोनॉमी इनकी इकोनॉमी, अब इनके अपने एक लीडर ने बयान दिया भाई जिनको इकोनॉमी नहीं कहना आ रहा है, इकोनॉमी कह देंगे अभी थोड़ी देर बाद। इकोनॉमी नहीं इकोनॉमी, इकोनॉमी आप जो भी कह रही है अच्छा कह रही है। वो इनके एक लीडर ने कहा जी 2018 तक हम ले आएंगे। अच्छा। ले आएंगे, ये पटवारी वाली जुबान बोल रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं इन इस बंदे को एक चीज का नहीं पता, ये सबसे पहले तो इनको इल्म ही नहीं है कि पाकिस्तान के जो है वो क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले इन्होंने जी एटमी धमाका कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैं बताऊं ये जो ऑरेंज लाइन का जो हमारे सर पे थोप के गए हैं, पता है कितने पैसे जाया हुए हैं, एजुकेशन पे पैसे इन्होंने लगाए, ज़राअत पे पैसे इन्होंने लगाए। आप सही फरमा रहे हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं उनसे जो बात वो दबाना चाह रहे हैं और आप सब उनकी मदद कर रहे हैं दबाने में। जितना फायदा ऑरेंज ट्रेन से आवाम गरीब ले रहा है कोई भी नहीं ले रहा है। 40 रुपए टिकट है, एक स्टॉप से लास्ट स्टॉप जाता है, एसी का मजा लेती है आवाम। जिनके घरों में एसी नहीं है वो ऑरेंज ट्रेन का एसी का एंजॉय करती है। दो ये, दो इन्होंने भी अपनी गाड़ी ऊबर पे दी हुई है, खुद ऑरेंज ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। ये गलत इल्जाम, पाकिस्तान पीपल पार्टी ये सिर्फ ये पीपी की खतून इल्जाम लगा सकते हैं। आप लोगों ने दावा किया था ये दावा ही करते हैं, बिल्कुल थे। मेरी बात सुने, जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। आप देखिए हर डिपार्टमेंट में जो है कहीं ना कहीं जॉब्स आ रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में, एफआईए में, हर जगह पे आप देखिए जॉब्स आ रही हैं। हाँ। उसके बाद आ रही हैं जाके वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट तो सबमिट करवाए ना, ये जॉब आपके घर आके आपको बोलने का मौका। ये नून लीग ने तो फिर भी मैं थोड़ी बहुत तारीफ करूंगी की काम कर दिया। चले सड़कें बना दी, टोए ठब्बे से हमें जान छूट जाती है, सीधा सीधा पहुँच जाते हैं, बस इसके बाद प्रोग्राम बंद कर दिया। उसके बाद ये 3 साल से बैठे हुए, अच्छी खासी नौकरी लगी हुई थी मेरी एचआर डिपार्टमेंट में, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रही थी मैं, सरकारी नौकरी पे बैठी हुई थी। सुबह जाती थी, दोपहर में वापस आ जाती थी, शाम में घर आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हफ्ते में 6 दिन में छुट्टी कर लूँ कोई मसला ही नहीं है। इन्होंने आके बर्बादी उतार दी नौकरी। ये कहते नहीं हमारे लीडर में बेनजीर की झलक नजर आती है, मैं तो कहता हूँ वो बेनजीर ही है, उसमें बंदों वाला काम ही कोई नहीं। आप जरदारी साहब की बात कर रहे हैं? मैं बिलावल भुट्टो साहब की बात कर रहा हूँ। मैं फलाना, ये क्या बात हुई भाई, कोई लीडर वाली जुबान ही नहीं है उनकी। हम ऐसे कर देंगे जी ए भुट्टो, ये क्या बात है, 3 साल से आवाज होनी चाहिए। आप देखें आप उनको उनके ऊपर पर्सनल नहीं, मुझे आप बताएं, मुझे आप ये बताएं, पंजाब में सभी लोग खत्म ही हो गए हैं ना, कायरा साहब इन्होंने पंजाब में लेके आए हैं। उन्होंने बताया कि किसी काम में वो हर चीज में, जैसे एक बहू होती है ना घर में डरी हुई, वो हर चीज भाई आप मुझे ये बताएं कि लीडर दिमाग से बनता है या आवाजों से बनता है। अब क्या वो आवाजें निकाले, लीडर बनो, मुझे इससे कर्ज नहीं है। मैं बता रहा हूँ हम लोग जो कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं, हमें थोड़ा टाइम नून लीग के रहनुमा की तरफ जाते हैं। सिर्फ 2 साल, क्या 2 साल, 2 साल रह गए इनके, उसके बाद आपको पता चलेगा मियां साहब बाहर क्यों बैठे थे। मियां साहब अभी बताएं बैठे हैं कि उनको यहाँ पे कोई मानने को तैयार नहीं। देखें जी अगली हुकूमत सिर्फ पीपल्स पार्टी की है, कैसे दावा कर सकती हैं आप? मुझे पता है सिर्फ वो ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। इन्होंने बर्बाद कर दिया है, बड़े मौके दे दिए। पीपल्स पार्टी अगर खाली सिंध में भी जीत गई तो मैं नंगे पांव चलना शुरू कर दूंगा। तो अभी कौन सा आदमी पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में जीतेगी? आपसे पूछ रहे हैं मियां साहब बाहर बैठे कौन से मंसूबों पर काम कर रहे हैं? मियां साहब बाहर बैठे ठंडी हवाएं ले रहे हैं। मियां साहब बाहर बड़ा क्यों बैठे हैं? जब कोई एक बच्चा घर में कोई काम नहीं ना कर रहा होता उसको पता कहते हो तू बाहर बैठ। पहली बात कि मियां साहब बाहर बैठे नहीं, लेटे हुए रात को लेटते हैं, ठीक है ना, वो क्या क्या करते हैं मुझे सब पता है। तभी आपको इस शो में इनवाइट किया लेकिन आप कुछ नहीं बता रहे, बताएं उनकी क्या है। मैं आवाम से भी ये कहता हूँ अपनी कॉपियां पेंसिलें निकाल लें, ठीक है, ठीक ना, अपना अब आप बताने जा रहे हैं नोट्स कर लें कि मियां साहब बाहर क्या क्या कर रहे हैं, आज मैं सबके सामने बता रहा हूँ, शुरू करें और इसके बाद आपका चैनल छत पे नहीं, हमें इधर ही रहने दो भाई, छत पे गर्मी है, आपके व्यूज नहीं रुकेंगे, आप इतने के मैसेज आएंगे आपको सिर्फ इस बात के बाद, ठीक है बताइए। मियां साहब बाहर जाके जो कर रहे हैं, सबसे पहला काम सुबह उठती है बुरश करती है,
उसके बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद वो दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं, फिर दोपहर का खाना खाते हैं, सबसे मुश्किल काम। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए कलूला करता है, उसके बाद शाम जब होती है आपको बाहर के माहौल का भाई बस 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 वॉशरूम में क्या करते हैं ये भी ना बता देना। शाम को वो वॉक करने जाते हैं, रात को वो फिर खाना खाते हैं, जो सुबह करते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, जो दिन को खाते हैं उसे लंच कहते हैं, जो रात को खाते हैं उसे डिनर कहते हैं। लिख लें, इनके अलावा कोई और बात बात है। जबरदस्त, थैंक यू, थैंक यू, इनके लिए तालियां बजा दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया। मियां साहब जो है ना, पहले अंदर से आप बाहर गए हैं, बोलो वापस आके भी उन्होंने अंदर ही जाना है, ये बात तो तय है। वैसे आपने क्या फजूल किस्म की हमें डिटेल बताई है, पता ही नहीं है। ब्रश क्या उन्होंने अब ब्रश करना शुरू किया? ये मैंने मजाक किया, आपको हमने एक नेशनल टीवी पे बैठ के ये मजाक कर रहे हैं, इनके पास अमली तौर पे कुछ बताने को है ही नहीं है। मियां साहब बाहर क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? ना आप लोगों को पता है, और आपको तो पता ही नहीं है, आपको भी नहीं पता। मेरी बात पूरी सुने, ये पीपल पार्टी अक्सर पूरी बात नहीं सुनती और ये सवाई बातों के कुछ करते नहीं। मैं सिर्फ अमली जी कंटिन्यू करें, वो क्यों बाहर बैठे? मियां साहब, तारीफ करना मेरी फितरत में है। आप अपनी फितरत को थोड़ी देर के लिए साइड पर कर दें, बताइए मियां साहब बाहर क्यों बैठे हैं? मियां साहब, मैं ये बता दूं, ना आवाम को पता है, ना आप लोगों को पता है। भाई हमें तो पता ही नहीं है, ना मुझे पता है, और मियां साहब को भी नहीं पता वो बाहर क्यों बैठे हैं। सुन ले जरा, आप इसकी तालीम पूछे, इसको ये भी नहीं पता कि स्कूल होता क्या है, और जैसे ये नहीं स्कूल मैंने खुद बनवाए अपने हाथों से दो, जब मैंने बनवाया फिर जाने का क्या। देखिए मेरे बड़े कहते हैं एक जगह बार बार जाने से इज्जत कम होती है। इनके पास कोई लॉजिकल बात नहीं है। Exactly, सबसे पहली बात है कि जो मियां साहब यहां से बीमारी का बहाना करके बाहर गए हैं, आप देखें वहां पे निहारियां और पाए उड़ रहे हैं। यहाँ पे जब उनको जो जी ये नहीं खाना जी परहेजी खाने खाने हैं, असल में ये सारा उन्होंने एक जो है ना खेल रचा है। आपको पता नहीं है सबको बीमारी क्या है जी, और पीटीआई ने आप अंडे काट दिए हैं ना। इस बारे में हम जानना चाहते हैं क्या बीमारी है उनको। गुलो पापा बीमारी है, बीमारी है यही तो किसी को नहीं पता। ये जो खतून बैठी है मुतरमा जिन्होंने सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है, इनसे पूछे मियां साहब को कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी है, क्या आप जानती हैं? उनका दिमागी संतुलन थोड़ा सा हल्का है। बस आपको पता मियां साहब को क्या बीमारी? मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं बताता हूँ आज ऑन द कैमरा, इस बात के बाद आपको जो व्यूज आएंगे आप सोच नहीं सकते। खुदा के नाम है भाई, अगर तो बात है तो वो करो हमारे व्यूज। और जनाब आप हमारे व्यूज की टेंशन, सर आपने हमें बुलाया, अपना मामला हमें बताया, आपने हमें बुलाया किसी वजह से बुलाया, मैं तो अपने घर बड़ी मुश्किल से जाता हूँ, अगर आपने यहाँ बुलाया है उसकी वजह। अच्छा आप बीमारी बताइए। मियां साहब को जो बीमारी है आज आवाम सुन ले, आवाम सुन ले इन लोगों को बातों के अलावा कोई नहीं, मैं बताता हूँ मियां साहब को वो बीमारी है। भाई बोल पड़ो, अपनी हुकूमत भी करनी है हमने। मियां साहब को वो बीमारी है, वो जो एक माई नहीं कहती वे तेन की बीमारी है, ये बीमारी है मियां साहब को। इनके जो दो धड़े बने हुए हैं, सबसे पहले सुन ले ये दो, आप किस धड़े से हैं? मियां नवाज शरीफ साहब के धड़े से। ये देखो ये कबाड़िए वाली धड़े धड़े शुरू कर दिए, बता रहा हूँ ना, ये वो बीमारी है। ये दो पार्टियां, इनकी एक पार्टी में दो पार्टी है। मरियम नवाज का जिक्र जो है वो ये कर रहे हैं, शहबाज शरीफ हमजा का जिक्र अभी तक नहीं किया क्योंकि ये बड़े मियां के। वैसे ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी हमें अंदर की बात बताएं, क्या वाकई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने खुद बनाई है दो पार्टी। देखिए जी मेरी अच्छा बात सुने, ये अलीफ और नून की लड़ाई में पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, इस बार हमारी हुकूमत है, इन दोनों को किसी ने पूछा नहीं। अच्छा। कुछ नहीं, उन्होंने बर्बाद कर दिया, इन्होंने बर्बाद कर दिया। इलेक्शन में खड़ी हो जाए, इनके घर के जितने वोट हो कंफर्म। मैं क्यों खड़ी होंगी भाई, बुलावल भुट्टो हम उनके पीछे खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे, वो अपने लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। इनके यही हल्के का बंदा, इनकी कोई बात नहीं, इलेक्शन आया ना, इलेक्शन में ये हल्के में गए हैं। मेरी गल सुनो, रात मैं ताडे लाके इलेक्शन से खलोता, अच्छा मेनू कुर्सी दियो मैं बैठ जाऊं, और इन्होंने खड़ा था काफी देर से,
लीडर को सपोर्ट नहीं करते, लीडर के बराबर आगे खड़े हो जाते हैं। वो अपने लीडर को देखे, उन्होंने अपने लीडर को सपोर्ट करे। तो पार्टी में दो पार्टीज बना ली हैं, हमने खुद बनाई है। अभी तीसरी भी आ जाएगी, सपोर्ट करी है एक शान करीब, मरियम की बेटी भी आएगी, मरियम का बेटा भी आएगा, वो अलग पार्टियां बनेगी। चलो कोई तो जीतेगा। एक बाप के अगर चार बेटे हों तो अलग अलग कारोबार पे चले। हम ये तो समझ गए आपको मुस्लिम लीग नून के हवाले से, आपसे ये जानते हैं, आपको वैसे तो कोई अंदरूनी मामला मुस्लिम लीग इनसे इनके हालात जाने, इन्होंने आज पकाया क्या, इनको बस ये पता खाबों के शौकीन आलू बैंगन हमने पकाया। अच्छा हालात अब ये आ गए, पहले तो मुस्लिम लीग नून में मुर्गे की बिरयानियों के दिन होते थे, अब आप लोग आलू बैंगन पर आ गए। पीटीआई ने दम रखा हुआ ना इनको, अब ये भुता सेवियां दाल पे आएंगे। मुतरमा कुर्बानी का गोश्त खा खा के हम थक गए थे, आलू बैंगन पकाएं और आप मेरे साथ चलें वापसी पे को खाना खिलाऊं, आपको बहुत मजा आएगा। नहीं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे एक और अंदरूनी बात जानना चाहते हैं, ये तो आपको मालूम नहीं है। इनको अंदरूनी जिखा मैं बस बातें कोई नहीं। ये तो आपको मालूम नहीं है कि मियां साहब कब वापस आएंगे, ये बताएं कि हम वाकई मुस्लिम लीग शीन भी बनने जा रही है। नहीं, ये सिर्फ इन लोगों की फैलाई हुई बात है। वो एक ही पार्टी है, वो चाचा भतीजी हैं, वो इलेक्शन पे मेहनत कर रहे हैं और ये लोग सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं कि ये दो पार्टियां बन जाएं, ये कभी भी नहीं बनेगी। चलो बिलाखिर कोई तो इंकशाफ हुआ आपकी जानिब से, आपको शो में बुलाने का हमें कोई तो जवाब मिला, मेरी वजह से मियां साहब का नहीं पता चला कि वो क्यों बाहर है। बिल्कुल बीमारी की वजह से, बीमारी की वजह से। जी जी बिल्कुल, बीमारी पैने तेनू नहीं पता है, जब तक अज्जा सारा पता आता मेरा। वो जो बीमारी माई ने कही थी ना कि तेनू की बीमारी है, वो पता करवाने के लिए लंदन में बैठे हैं और कम से कम 8 डॉक्टर उनकी रिपोर्टें चेक कर रहे हैं कि वो पता करने की वो कौन सी। मेरी बात सुने, बचपन से लेके आज तक बड़े बुजुर्गों ने एक ही नारा लगाया है कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकले। आज भी वही नारा जिंदा है, अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, ये लिख लें बात मेरी लिख लें। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, भुट्टो साहब को गुजरे हुए इतना अरसा हो गया लेकिन अभी भी वो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आज हमें इस सियासी इशू में जो हम बात कर रहे हैं इसका हमें कोई खास जवाब नहीं मिला। चलते हैं ब्रेक की तरफ, दोबारा हाजिर होते हैं। तो आप कैसे कह रही हो कोई जवाब मिला, जवाब नहीं दिया आपको, क्या आ रही है अजीब, हम कितने कर रही है बुला के आप कह रही है जवाब ही नहीं है, कह रही है पीपल्स पार्टी आएगी, बात खत्म हो गई है, उन्हें पता नहीं है कि मियां साहब।